अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये तंदूरी चिकन आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत होगी और ना ही आपको बारबेक्यू करने की ज़रूरत होगी और ना ही आपको इसे तंदूर में पकाना होगा। ईज़िली स्टोव टॉप के ऊपर आप ये ज़बरदस्त सा रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी चिकन आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आधा किलो मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं, जिसमें लेग्स और थाइस का इस तरह एक बड़ा सा पीस है। इसके ऊपर मैं कट्स लगाऊंगी, आप चाहें तो मिक्स पार्ट्स भी ले सकते हैं। आधा किलो चिकन की ये रेसिपी है। अगर आप पूरा चिकन बनाने जा रहे हों तो आप इसको डबल कर लीजिएगा। इसके ऊपर इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से आप कट्स भी लगा सकते हैं और लंबाई में भी आप कट्स लगा सकते हैं। इस तरह से देखें, इस तरह से ये कट्स लगाने ज़रूरी हैं। इससे चिकन बहुत अच्छी तरह से और अंदर तक मैरिनेट भी हो जाता है और कुक भी हो जाता है। तो चिकन के ऊपर दोनों तरफ से कट्स लगाएंगे और इसके बाद हम इसकी फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके ऊपर डालूँगी आधा चाय का चम्मच नमक। नमक हम बाद में भी ऐड करेंगे, इसलिए मैं आधा चाय का चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर सिरका, सफ़ेद सिरका जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, दो चाय का चम्मच वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये नहीं है तो आप दो चाय के चम्मच इसके ऊपर लेमन जूस डाल दें। लेमन जूस भी वही काम देगा जो कि सिरका देगा। टर्मेरिक यानी कि हल्दी आधा चाय का चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये फर्स्ट मैरिनेशन है। ये सारे मसाले चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। नमक और सिरका लगाने से चिकन का जो ब्लड निकलता है, बाद में जब हम चिकन को कुक करते हैं अक्सर कढ़ाई के लिए या फिर टिक्का के लिए, तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब आप इसकी मैरिनेशन करेंगे नमक और सिरके से, थोड़ी हल्दी भी ऐड कर लीजिएगा, तो इससे ये बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी भी बनेंगे और ब्लड भी नहीं निकलेगा। इसे अब हम साइड पर रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम सेकेंड मैरिनेशन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच यानी कि एक खाने का चम्मच थिक वाला दही, थिक वाला ही इस्तेमाल करना है। और इसमें आधा टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, यानी कि आधा खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक चाय का चम्मच या जायके के हिसाब से नमक, क्योंकि पहले भी हमने नमक ऐड कर लिया था, एक चाय का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, आप टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, एक चाय का चम्मच भर के देगी लाल मिर्चों का इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे तकरीबन डेढ़ चाय का चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून, ताज़ा पिसी हुई काली मिर्चें एक चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चाय का चम्मच भर के, और थोड़ा सा तंदूरी कलर जो कि रेड और ऑरेंज कलर होता है, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन रेडिश ऑरेंज सा एक कलर था जो कि तंदूरी खानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो मैंने इसमें चुटकी भर ऐड कर लिया। आप चाहे तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, इससे जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम इसमें दो खाने के चम्मच मेल्ट किया हुआ और उबला हुआ बटर ऐड करेंगे, यानी कि बटर आप ले लें और उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें, जलाना नहीं है, बस बॉयल करना है ताकि वो मेल्ट भी हो जाए और इसमें एक बॉयल भी आ जाए। उसके बाद इसके दो खाने के चम्मच आपने इस्तेमाल करने हैं और बाकी का जो बटर है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड मैरिनेशन है वो हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसके कट्स में भी लगाना है इस तरह से। सारा मसाला चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। और ये देखें, ये एक थिक सा मिक्सचर होता है तो ये बहुत इजीली लग जाता है। जब आप थिन दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये मिक्सचर अच्छी तरह से इसके ऊपर नहीं लग पाता, तो इसलिए आपको थिक दही यानी कि कर्ड का इस्तेमाल करना होगा। इसके ऊपर आप कोई भी ढक्कन रख दें या फिर कोई प्लास्टिक रैप से इसे रैप करके तकरीबन ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ दें। अगर टाइम कम है तो 3 से 4 घंटे काफ़ी हैं। मैरिनेशन का टाइम आपने ज़रूरी से देना है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त जूसी और अंदर तक इसमें जो मसाले हैं वो चले जाते हैं, तो मैरिनेशन का टाइम ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक फ्राइंग पैन लिया है, इसलिए मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। मैरिनेशन में ऑलरेडी बटर मौजूद है तो इसलिए इस स्टेज पर हम कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। एक तरफ से इसका कलर आ जाए तो हम इसकी साइड टर्न करेंगे। ये चिकन जो है ये अपने ही पानी में कुक होगा, इसमें कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मैरिनेशन में दही ऑलरेडी मौजूद था तो वही दही जो है वो अपना पानी छोड़ देगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा, तो इसी पानी में चिकन को हमने कुक करना है ताकि सारे
जूसेस जो हैं वो चिकन में रिटेन हो जाए, चिकन अच्छी तरह से जूसेस को सोक कर ले। तो देखें 5 मिनट मैंने मज़ीद इसे कुक किया है और अब इसकी साइड में टर्न कर रही हूँ। तो तकरीबन 10 मिनट में ही ये चिकन थाई पीसेस जो हैं ये रेडी हो जाते हैं और ब्रेस्ट पीसेस जो हैं वो भी तकरीबन 10 से 12 मिनट में ही रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये चिकन पीसेस हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो अगर आपको एंड प्रोसेस यानी कि ग्रिलिंग का प्रोसेस नहीं करना तो इसी स्टेज पर आप चिकन को अच्छी तरह से फ्राइंग पैन के ऊपर ग्रिल कर लें, यानी कि जो पानी है इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें और एंड में इसे कोयले का धुआं दे दें। यहाँ पर मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल कप लिया है और इसमें मैंने दहकता हुआ कोयला डाला है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी या बटर डालूँगी और बटर डाल के इसको इस तरह से कवर करके रखना है जब तक कि ये सारा स्मोक एब्जॉर्ब ना कर ले। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। एंड में एक एडिशनल स्टेप इसको तंदूरी लुक देने के लिए यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे कि एक ग्रिलिंग रैक ले लें और अगर ये नहीं तो आप कोई छलनी ले लें जिससे हम फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह निकालते हैं तो वो छलनी ले लें और इसके ऊपर आपने ये चिकन इस तरह से रखना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे इस तरह से ग्रिल करना है। देखें ये इस तरह से, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा तंदूरी लुक लाने के लिए इसको इस तरह से ग्रिल करना है और जो मैरिनेशन यानी कि जो ग्रेवी वगैरह फ्राइंग पैन में बच गई थी तो उसमें थोड़ा सा तंदूरी कलर ऐड करके इसके ऊपर आप ब्रश की मदद से लगा लीजिएगा। थोड़ी सी ग्रेवी रह गई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा तंदूरी कलर ऐड कर लिया और इस तरह से ये चिकन के ऊपर मैं लगा रही हूँ, इससे और भी ब्राइट कलर आ जाता है और बहुत ही शाइनी लुक आती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए ग्रिल कर लिया है और ये ज़बरदस्त सा तंदूरी चिकन हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट ये तंदूरी चिकन तैयार है। थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए और थोड़े से इसके ऊपर शाइन लाने के लिए मैं इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बटर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 खाने के चम्मच बटर मैंने स्टार्ट में गरम किया था यानी कि बॉईल किया था और 2 खाने के चम्मच मैंने मैरिनेशन में इस्तेमाल कर लिया था और 2 खाने के चम्मच अब इसके ऊपर मैं इस तरह से ब्रश की मदद से डाल रही हूँ। इसे फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब आएगा लेकिन इसका कलर जो है वो भी शाइनी हो जाएगा और बिल्कुल वैसा ही लुक देगा जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो देखें बिना ओवन के बिना तंदूर के हमने कितना ज़बरदस्त चिकन तंदूरी घर पर बना लिया है। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही जूसी और बटरी ये चिकन तंदूरी तैयार हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगे तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी डिलीशियस और ईजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।